अब है आपके मीडियन और मोड। मीन को मैंने पहले बता दिया है, अब है मीडियन और मोड। वो ये कैसे फाइंड करते हैं, अगर वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो ये आएगा आपका 6 नंबर का। देखो सबसे पहले आपके मीडियन, मीडियन मींस मध्य का, और ये वर्ग मतलब ग्रुप दे रखे हैं आपके। अब तो जब भी कोई भी मीडियन आपको फाइंड करनी है, उसके लिए क्या करना, सबसे पहला काम है आपको सीएफ फाइंड करना। सर सीएफ फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली संख्या यहाँ लिख देंगे, फिर इसमें ये ऐड कर लेंगे 36, फिर इसमें ये ऐड कर लेंगे 40, तो ये 76, इसमें 16 ऐड कर लेंगे तो जाएगा 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100। आगे से आगे आपको ऐड करना है, जैसा ये क्वेश्चन है ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे ही मीडियन के, एक मेथड आना चाहिए, सारे मेथड आपके ऐसे ही, केवल आगे से आगे जोड़ना 6 और 30 36, 36 और 40 76 प्लस 16 92 प्लस 4 96 प्लस 4 100, ये हो गया आपके 100। अब हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे एन का, मतलब छोटा एन फाइंड करेंगे, एन अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2। तो बताओ एम का वैल्यू क्या है आपके 50th टर्म, मतलब 50वां पद। अब ये कहाँ देखना है, ये देखना है आपको सीएफ, मतलब ये यहाँ, ये देखो इन दोनों के बीच में क्या आता है, 50 आता है, ये इन दोनों के बीच में आता है, तो आंसर भी आपके इनके बीच में ही। अब जैसे ही ये ग्रुप आया तो हम इसके नीचे वाले, जैसे 50 है, 50 से नीचे वाले ये वाले इस ग्रुप को ऐसे अंडरलाइन कर लें, ये वाला जो 50 या जो संख्या टोटल है इसका हाफ करने के बाद जो एम आएगा वो हम देखेंगे सीएफ में कहाँ आता है, 50 कहाँ आता है, हमेशा 36 और 76 के बीच, 36 और 76 के बीच में आता है, तो बताइए इससे नीचा ग्रुप हमें लेना है। तो बताओ एम का जो ग्रुप आया है वो ग्रुप कौन सा आया है, 7 to 10। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी आंसर आएगा वो 7 और 10 के बीच में आएगा, 7, 8, 9, 7.5, 7.2, 7.3, 8.4, 8.9 कुछ भी आ सकता है, लेकिन 7 से कम नहीं आएगा और 10 से ज़्यादा नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में कोई आंसर आएगा। अब वो कौन सा आंसर होगा, अब उस आंसर को याद करने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको बार बार क्वेश्चन करने पर याद हो जाएगा, कैसे, वो फॉर्मूला है आपके L1 प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L1 मतलब निम्न सीमा, लोअर लिमिट, N बटा 2 हमने भी फाइंड किया था, CF ये रे CF, लेकिन सभी ने कौन सी वाले CF लें, ये ले कौन सी लें, तो हमें क्या लेनी है इसकी जो ग्रुप हमने लिया है इसकी ऊपर वाली, अभी ऊपर वाली को लेंगे या n बटा 2 है, n बटा 2 वैल्यू कितना है 50, तो संख्या 50 से थोड़ी सी कम लेनी और वो CF से लेनी, तो ये भी है लेकिन आपके 50 से ज़्यादा नज़दीक है वो ले। F ये है, तो सिग्मा F बोलते तो ये होता, इसने केवल ऐसे बोला है तो F ये रहा। फिर है आपके H, H मतलब डिफरेंस, इनके बीच में जो डिफरेंस है अंतर कितना है, 3-3 का अंतर है, तो देखो L1 मतलब जो ग्रुप लिया उसकी निम्न सीमा लोअर लिमिट कितना है 7 प्लस N अपॉन 2 हमने भी फाइंड किया था 50, CF इससे थोड़ी सी कम, परंतु किसमें CF में, ये रहा CF इससे कम कितना है आपके 36, F ये रहा 40 और डिफरेंस कितना है आपके 3 का, ये डिफरेंस 10 माइनस 7 इक्वल 3, 7 प्लस 50 माइनस, पहले इस पूरे को हम सॉल्यूशन करेंगे फिर इसमें ऐड करेंगे,
50 माइनस 40 36 कितना होता है 14 इनटू कितने दे रखे हैं 3 अपॉन 40 7 प्लस 14 3 जा 42 अपॉन 40 जीरो हट गया या पॉइंट लग गया तो 7 प्लस 1.2 में जाएगा नहीं तो 0 फिर हो जाएगा 20 तो इसमें हो जाएगा आपके 5 टाइम ये हो गया आपके 8.05। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही n बटा दो ये होगा CF आपके जो ग्रुप आया उसके ऊपर वाली ये कहलाएगी हमेशा आपके CF ये कहलाएगी आपके F ये कहलाएगी आपके लोअर लिमिट L1 डिफरेंस इन दोनों के जो बीच में जो डिफरेंस है वो है आपके H इज इक्वल टू 3 सब में 3 का डिफरेंस है ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है इससे हम मीट मैंने क्वेश्चन कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता जो डिफरेंस हो एच ये जो आई की संख्या एन बटा दो तो फॉर्मूले के लिए कौन सी कौन संख्या चाहिए जो ये वाली संख्या जहाँ जाए किनके बीच में है उनके नीचे वाला ग्रुप ले लेंगे इसमें ये सी एफ कहलाएगी इसी ग्रुप की ये एफ कहलाएगी ये लोअर लिमिट कहलाएगी ये सबका बीच का अंतर एच कहलाएगा बस आपको फॉर्मूले में आपको सेट करना है और फिर आपको मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी ये करना है जो आंसर आएगा वो आपके मीडियन कहलाएगा। अब है आपके मोड मोड या लूप मोड बोलो या उसे बहुलक बोल सकते हो ये हाफ ईयरली एग्जाम आता है मोड में बहुत कम चांस है आ जाए तो अच्छा ही है क्योंकि इजी क्वेश्चन है इसमें क्या आया आपकी जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके 14 बस आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कोई देखना है वो है 14 इसका मतलब क्या हुआ आपके ये हो रही है आपके F1 और एक से पहले वन से पहले क्या आता है 0 और वन के बाद क्या आता है F2। अब आपके तो जेड का ग्रुप कौन सा हुआ जेड का ग्रुप हुआ आपके 120 से 140 मतलब जो भी आंसर आएगा इनके बीच से आएगा अब वो आंसर कौन सा होगा तो उसके लिए क्या है आपके फॉर्मूला वो फॉर्मूला है क्या फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 जो ऊपर लिखो यही लिखा अब आगे के आगे लिखना है 2 और पीछे लिखना है F2 यहां भी 2 और यहां F2 इनटू H केवल जमा लो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपके देखो L1 कितना L1 है लोअर लिमिट जो ग्रुप आता है उसकी लोअर लिमिट कितना है 120 ये जो ग्रुप है ये L1 लोअर लिमिट ये अपर लिमिट 120 उच्च सीमा निम्न सीमा अब जो F1 F0 F1 ये रहा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 14 माइनस 12 14 माइनस 12 अब क्या करेंगे F यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और माइनस F2 ये रहा आपको 8 इंटू एच 120 प्लस 14 माइनस 12 कितना होता है 2 इनको अलग से हल करना है इनको अलग से हल करना है 14 2 जा 28 माइनस 12 प्लस 8 इक्वल टू 20 इनटू एच एच कितना है डिफरेंस 20 का यहाँ भी क्या आएगा आपके 20 120 प्लस 2 इंटू ऐसा कर सकते हो 2 इंटू 20 कितना होता है ऐसा कर लो 2 अपॉन 8 इंटू 20 120 प्लस 22 जा 40 अपॉन 8 कितनी बार जाएगा इससे 5 टाइम 120 प्लस 5 कितना हो गया आपके 125 यस
जवान आए और फिर आपको जैसा लगे इसको वो हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। जब आंसर आ जाएगा तब इसमें ऐड कर लेंगे। इससे इजी भी है। तो कैसा इजी? देखो फॉर्मूला है आपके जेड फाइंड करने का, एक फॉर्मूला और है एल वन प्लस डिफरेंस वन अपॉन डिफरेंस वन प्लस डिफरेंस टू इंटू एच। अब डिफरेंस वन और टू क्या है? ऊपर वाला जो डिफरेंस है वो है आपके ये वाला है डिफरेंस जो है आपके डिफरेंस वन, और ये वाला है डिफरेंस टू। मतलब सीधा हम यहाँ पहुँच जाएंगे। कैसे? देखो जेड का जेड एल वन कितना है 120 प्लस डिफरेंस वन मतलब ये वाला अंतर, इन दोनों का बीच का अंतर कितना है आपके दो, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है आपके सिक्स। ये हो जाएगा टू अपॉन टू प्लस सिक्स, टू प्लस से नीचे आ जाएंगे, इंटू एच कितना है आपके 20 का, 120 प्लस टू अपॉन एट इंटू 20। हम सीधा ही यहाँ आ गए, सीधा शॉर्ट में सीधे। अब यहाँ इसको हल करेंगे तो 8 या 40 5 टाइम जाएगा, 5 प्लस 120 इज इक्वल टू 120। या तो ऐसे करो क्वेश्चन को या ऐसे करो, दो तरीके वो इजी है। ये आपके बुक्स में दे रखा है और ये थोड़ा 11th का है, 11th 12th में ऐसे बता दे। ये भी कर सकते हैं आप, उस पर भी आपके नंबर पूरे मिलेंगे। वैसे ये आता बहुत कम ही है, चांस बहुत कम है, फिर भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो। ये मोड करने की तैयारी दो तरीके हैं, मोड तैयार कर सकते हो आप, और ये है मीडियम, बिल्कुल ईजी।